वहीं पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हम सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उस पर राय लेंगे। फैसला आज सुबह, शाम को या परसों तक लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि दिल्ली लौटने के बाद वो अन्य मांगों पर चर्चा करेंगे। चर्चा 19-20 फरवरी को होगी और 21 फरवरी को होने वाले दिल्ली चलो मार्च पर चर्चा के आधार पर फैसला लिया जाएगा। सरकार और किसान संघ मिलकर मुद्दों का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह, सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा, भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी, ठीक है। और तीसरी बात, इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे, वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे, अच्छा होगा। सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे भी मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। देखिए, सेटिस्फाई होना या ना सेटिस्फाई होना ये अलग बात होती है। हम बहुत बड़े फोरमों का में ये बात डिस्कस करनी होती है। SKM नॉन पॉलिटिकल के लगभग 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं और दूसरे वाले फोरम में भी काफ़ी संगठन काम करते हैं। तो सभी को भरोसे में लेकर सभी को के पास ये बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बताएंगे कि भाई ये प्रपोजल आई है, इस प्रपोजल पे आपका क्या विचार बनता है। और इतनी बात हुई है जो हमारे साथ सरकार ने, दूसरी बात थी कि हमारी ऋण मुक्ति की जाए, उसके ऊपर हमारे मतलब मंत्री जी ने ये कहा है कि हम भी विचार करेंगे अभी और बजाकर इतना जो प्रपोजल है जो हमें है अलाउड है।